महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीपीगंज स्थित पीतेश्वर नाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। अंतर जनपदीय मलखम प्रतियोगिता का एडीजी दावा शेरपा ने किया शुभारंभ, कहा स्वस्थ मन और शरीर के लिए खेल जरूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रैताला ने आगामी चुनाव के मद्देनजर किया जब्ती समिति का गठन। गोरखपुर महानगर के शीतला मंदिर से निकाली गई भगवान शिव की भव्य बारात, देवी देवताओं के मनमोहक झांकियां बने आकर्षण के केंद्र। विश्वविद्यालय के छात्रों ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, जलाया पुतला। चोरी और लूट के सामानों के साथ 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भी शिवालयों में आस्थावानों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूरी पूजा अर्चना कर मांगी मनोकामना। 20 किलो चांदी के साथ 2 तस्कर चढ़े जीआरपी के हत्थे, सीओ रेलवे ने किया खुलासा। महानगर के राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के छत पर अचानक लगी आग, लोगों के सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय विविध प्रतियोगिता का हुआ समापन, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत सीएजी की शानदार जीत के साथ ही बीएसएनएल ने दबंग को 22 रन से हराया।